बड़ी ठंड है। नमस्कार, स्वागत है आपका, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आज इंडियन को। हम एक स्मार्टफोन में क्या देखते हैं, कम पैसों में अच्छी परफॉर्मेंस मिले, कैमरा मिले और अच्छा बैटरी बैकअप मिले। ये तीन ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जो कि हम अपने एक स्मार्टफोन में चाहते हैं। Oppo X3 Pro 6 अप्रैल 2021 यानी पिछले साल हमारा ये लॉन्च हुआ फोन, अभी भी इस टाइम पर 4G का बादशाह। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे 4G स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, सबके अपने क्वालिटी है, फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं और हर कोई इतनी बेस्ट स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। आज जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी, बस लेटेस्ट चीजों में 5G भले ही आ गया हो लेकिन अभी भी मार्केट में 4G चलता ही रहेगा। इंडिया में 4G अवेलेबल रहेगा ही, तो 4G फोन अभी भी खरीदे जा रहे हैं, उनकी डिमांड अभी लो नहीं होने वाली है। वाओ, स्पेसिफिकेशंस को मैंने अपने आगे की वीडियो में बताया है, तो आप एंड तक बने रहिए क्योंकि खास आपको पता चल ही जाएगा। ट्रेंड के साथ बड़े बड़े नंबर्स आपको दिखाना, कंपनी का फोकस इस पे ज्यादा रहता है। आपको 1 लाख के फोन से ज्यादा आपको फीचर 31,000 के फोन में आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस का कॉस्ट कटिंग, क्वालिटी की कॉस्ट कटिंग बहुत होती है। यह Oppo X3 Pro लुक वाइज बहुत ही हमें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। बट अगर हम बात करें स्मार्टफोन की, तो इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अक्सर कुछ स्मार्टफोन मार्केट में ऐसे लॉन्च हो जाते हैं जो कि साल, 2 साल 3 साल पुराने होने के बावजूद भी उस टाइम के स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहते हैं। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है आपको इस 4G स्मार्टफोन में, जो कि इसके लुक के साथ एकदम चमकदार। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके डिस्प्ले में 6.7 इंचेस की हमको डिस्प्ले मिलती है, IPS LCD है, 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है 4G स्मार्टफोन में इस टाइम पे, इस रेंज में। एक अच्छा गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलना, बेजल लेस पंच होल डिस्प्ले है जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ये इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए टोटल आपको 4 कैमरों का सेटअप मिलता है LED फ्लैश के साथ। फ्रंट कैमरे में आपको 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है और फुल HD 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग। और वही बात बैटरी, तो उसकी बैटरी बहुत बड़ी है, 5160 mAh की बैटरी, वो भी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग USB टाइप सी पोर्ट। गजब है भाई, अगर लेने चाह रहे हो मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की बहनों, अभी ले लो क्योंकि लगा है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर। इसका जो एंटीटू स्कोर निकल कर आता है वो 4,78,000 के समथिंग है और 5G के जो स्मार्टफोन अभी 20,000 की रेंज में आ रहे हैं उनका भी इतना स्कोर कहीं कहीं स्मार्टफोन्स में नहीं मिल रहा है। आप 25,000 रुपये भी खर्च करेंगे तो आपको ये परफॉर्मेंस मिलना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड्रॉयड 11 के साथ जो कि मिलता है, क्योंकि बहुत पुराना भी सॉफ्टवेयर आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, MIUI आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा आपको इस स्मार्टफोन में, जो कि इसको बहुत औसम बनाता है। 860 स्नैपड्रैगन मिल रहा है आपको। अगर आप 4G लेने अभी के टाइम पे जाएंगे, 5G लेने अभी के टाइम पे जाएंगे, आप बहुत कॉस्ट कटिंग कर दे रहे हैं 5G बैंड्स को डालने के चक्कर में। मैं इसीलिए 4G स्मार्टफोन आपको कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसका परफॉर्मेंस वाकई में लाजवाब है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं जल्दी एक मस्त नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप और भी कोई स्मार्टफोन पे डिटेल्स चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Bye.